रिगार्डिंग yes, मैं अपना प्रिपरेशन चालू किया है मुझे कुछ कुछ चीजों पे ध्यान रखना पड़ता है ऊपर मैग्नीशियम के ऊपर कैल्शियम के ऊपर डी थ्री के ऊपर और बहुत सारे चीज है तो मैंने कंज्यूम करना स्टार्ट किया एक हफ्ता पहले मैंने देखा के, के मुझे एपेटाइट सही नहीं है मुझे भूख नहीं लग रहा है मुझे अपना मसल स्पैजम फील कर रहा हूँ मैं पेन फील कर रहा हूँ मसल पे मेरा रिकवरी ठीक से नहीं हो रहा है मेरा स्लीप ठीक से नहीं हो रहा है एक्सेट्रा तो मैंने ये सोच लिया मैंने ये मैं, मुझे ये पता चल गया कि मेरा मैग्नीशियम लो है बॉडी में तो दैट्स वाई आई स्टार्ट माई मैग्नीशियम सप्लीमेंटेशन एंड कल रात को मैंने क्या किया गलती कर दिया मैंने मैंने क्या किया डिनर करने के तुरंत बाद ही विद इन टेन टू ट्वेल्व मिनट्स के अंदर ही मैंने मैग्नीशियम टैबलेट कंज्यूम कर लिया उससे जो प्रॉब्लम फेस हुआ मैं वही डिस्कस करने आया हूं कि मैग्नीशियम आपको क्यों लेना चाहिए कब लेना चाहिए और उसका इफेक्ट क्या क्या होगा और मैग्नीशियम लेने के बाद कितना देर बाद बॉडी में काम करना चालू करता हूँ मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स आप कंज्यूम कर रहे हो कंसिस्टेंसी रख रहे हो तो कितना दिन बाद कितना घंटे बाद आपके बॉडी में वो इफेक्ट लाएगा सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आपके बॉडी में मैग्नीशियम डिफिशेंसी है कुछ सिम्टम्स आपको नजर आएंगे पहला एपेटाइट आपको अच्छे से भूख नहीं लगेगा हो हो सेकेंड आपका अब खाना खा रहे हो हो कुछ फील फील रहा है है आ सकता रहेट्रा तो आपको पता चल जाएगा कि शायद मेरे बॉडी में मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है मसल मसलम भी एक सिम्टम होता है एंड आपका रिकवरी नहीं है आपका स्लीप अच्छा नहीं होना ठीक है हाइपर एक्स ये सब अगर आपके बॉडी में दिख रहा है तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि आपके बॉडी में मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है आपको तुरंत मैग्नीशियम कंज्यूम करना होगा अभी मैग्नीशियम कंज्यूम करने के बाद ही वो चीज ठीक नहीं होगा मैग्नीशियम जब आप सप्लीमेंटेशन कंसिस्टेंसी रख रहे हो एक दो तीन दिन कम से कम असर दिखाने में कम से कम पांच से सात दिन लगता है बॉडी में तो अगर आप आज मैग्नीशियम टेबलेट खाना चालू किया हो अब सप्लीमेंट्स ऐड करना चालू किया अपने डाइट पे अपना अपने लाइफ स्टाइल पे तो आप को इफेक्ट लाने में और बॉडी के ऊपर इफेक्ट देगा कम से कम पांच से सात दिन बाद ऐसा नहीं आज लिया कल से चालू हो जाएगा आज हेपीटाइट नहीं है क्या कल, कल से चलो नहीं पांच से सात दिन लगता है बॉडी में इफेक्ट डालने के लिए नेक्स्ट आते हैं कब कंज्यूम करना है मैग्नीशियम टैबलेट बहुत जन मैग्नीशियम टैबलेट कंज्यूम करते हैं ब्रेकफास्ट के बाद बहुत जन मैग्नेशियम एमटी स्टमक पे कंज्यूम करते हैं सुबह उठ के ही एमटी स्टमक पे मैग्नीशियम ले लिया कोई कोई करता क्या है मैग्नीशियम टैबलेट कब लिया ब्रेकफास्ट के बाद मैग्नीशियम टैबलेट ले लिया दस पंद्रह मिनट के बाद डिनर के दस मिनट नहीं नहीं इफ यू वांट टू यूज मैग्नीशियम एज ए लैक्सेटिव लैक्सेटिव का मतलब हो गया इन बंगाली रेचोन एंड आप अगर हिंदी में बोलते हो जिसको जुलाब बोलते हैं अगर आपको अवॉइड करना है स्टमक अपसेट से अवॉइड करना है तो मैग्नीशियम लेने का सही सबसे सही वक्त हो गया मील के एक घंटा डेढ़ घंटा या दो घंटे बाद मैग्नीशियम लो पूरा एमपी स्टमक नहीं या सुबह रात को फास्ट करके सो के दस आठ घंटा नौ घंटा उसके बाद सुबह उठ के एमपी स्टमक मैग्नीशियम लेना नहीं वो नहीं ब्रेकफास्ट के बाद मील के तुरंत बाद दस पंद्रह मिनट बाद नहीं अगर लेना है तो मील लेने के कम से कम डेढ़ से दो घंटे बाद आप मैग्नीशियम टैबलेट कंज्यूम करें तो क्या होगा एज ए लैक्सेटिव ये काम करेगा एंड दूसरा आपका जो स्टमक होगा ना वो नहीं होगा कल रात को मेरा हो गया था स्टमक अपसेट हो गया था अभी मैग्नीशियम क्यों मैं रात को लू मैं प्रेफर करता हूं रात को लेना मैं रात को रात को मैं लेता हूं मैं ब्रेकफास्ट के बाद भी ले सकता था दो घंटे बाद आराम से लेकिन मैं रात को लेता हूं सोने से पहले डिनर करने से एक से डेढ़ घंटा या दो घंटा बाद कभी कभी वो मैटर करता है कभी कभी डेढ़ घंटा कभी एक घंटा पचास मिनट ऐसा बात ले लेता हूँ मैग्नीशियम टैबलेट में हजार हो जो भी हो मेरा 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 जो ये है आ, आ, तीन सौ हो दो सौ हो कुछ भी हो हजार नहीं गलत गलती बोल दिया तो क्योंकि अगर आपका अच्छा स्लीप चाहिए ना मैं मैं कंज्यूम करता हूँ क्योंकि अगर आपको एक अच्छा स्लीप चाहिए ठीक है आप एक पीसफुली स्लीप चाहते हो देन आप रात को कंज्यूम करो क्योंकि ये बहुत हेल्प करेगा एक अच्छा स्लीप आपको देगा पीसफुली स्लीप एंड दूसरा एक चीज़ अगर आप एनजाइटी फील करते हो तो उसको आप हटाने के लिए भी रात को मैग्नीशियम टैबलेट यूज कर सकते हो एंड अगर आप हेवी वेट ट्रेनिंग करते हो आपका मसल में पेन हो रहा है स्पैजम हो रहा है मसल स्पैजम मसल सोरनेस हो रहा है तो उसको रिमूव करने के लिए उसको हटाने के लिए भी आप मैग्नीशियम यूज कर सकते हो ये सारे चीज स्लिप के थ्रू आते हैं और वही ये मैग्नीशियम आपको देगा गुड स्लिप तो नेक्स्ट टाइम से आप जब भी मैग्नीशियम टैबलेट यूज करोगे तो ये ध्यान में रखना कि ये आपको कम से कम सात दिन पाँच से सात दिन लगेगा आपको असर दिखाने में दूसरा क्या क्या डेफिशिएंसी है मैंने बता दिया अर्लियर में वीडियो के तो वो अगर होगा कंज्यूम करो एंड आपका डोजेस मैंने बता दिया आपका हिसाब से कोई 100 लेता है कोई 200 लेता है एक जैसे मैं 200 कंज्यूम कर रहा हूँ अभी रेगुलर बेस पे तो ये हिसाब से एंड अगर मैग्नीशियम के साथ आप जिंक ऐड करोगे तो और भी बेहतर काम करेगा कुछ कुछ चीज़ों के साथ अगर कुछ कुछ चीजें ऐड होते हैं जैसे आपका हो गया डी के साथ कैल्शियम अगर ऐड कर सकते हो तो वो बेहतर काम करेगा uh, कैल्शियम के साथ अगर के ऐड करो वो बेहतर काम करेगा वैसे ही वैसे ही अगर मैग्नीशियम के साथ अगर आप जिंक ऐड करो वो बेहतर काम करेगा एंड ऑलवेज आप मैग्नीशियम ऐड करोगे रात को सोने से पहले डिनर करने के एक से दो घंटा या डेढ़ घंटे बाद तो ही यह बेहतर काम करेगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो आई होप आपको वीडियो लो बहुत अच्छा लगे एंड ऐसे में वीडियो ला, लाता रहूँगा एंड कीप सपोर्टिंग मी एंड थैंक यू सो मच